वालेकुम पेडागोजी के हवाले से जो हमारी डिस्कशन चल रही है ये उसका सेकंड पार्ट है पहले पार्ट में हमने पेडागोजी के जो लिटरल मीनिंग है उनको डिस्कस किया और पेडागोजी के जो मेन एस्पेक्ट्स हैं उनको डिस्कस किया अब हम पेडागोजी के जो की जो डिफरेंट अप्रोचेस हैं जिनकी मदद मतलब से हम टीचिंग एंड लर्निंग करवा रहे होते हैं उनको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं देखिए हमारे पास जो पेडालाजिकल अप्रोचेज़ हैं आ, वो डिफरेंट आपके पास मौजूद हैं डिफरेंट इसलिए जो कि हमारे पास डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स होते हैं मुख्तलफ़ तरीक़ों से हमारे लर्नर्स जो हैं वो सीखते हैं तो लिहाजा हमारे जो सोशल कॉन्टेक्ट हैं वो डिफरेंट होते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें टीचर को पता होनी चाहिए कि किस सिचुएशन के अंदर किस अप्रोच के साथ उसने क्लासरूम के अंदर जाना है तो यहाँ पे हम कुछ नोटेबल पेडागोजिकल अप्रोचेज आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे और यही आपके पास मेन अप्रोचेज हैं सबसे पहले हमारे पास जो अप्रोच है वो है ट्रेडिशनल पैडागोजी ट्रेडिशनल पेडागोजी क्या है ट्रेडिशनल पैडागोजी बेसिकली टीचर सेंटर्ड अप्रोच है इसमें जो टीचर है वही मेन जो पार्ट है वो प्ले कर रहा होता है टीचिंग एंड लर्निंग में यानी टीचर ही का रोल जो है वो एक्टिव होता है और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पैसिव होते हैं जो टीचर टीचिंग मेथड्स होते हैं उसमें आप कह सकते हैं कि लेक्चर मेथड है ड्रिल मेथड होगा और इस तरह आप उसको कह सकते हैं कि जी हो सकता है तो ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे या हमारे पास डिडक्टिव मैथड हो सकता है आ, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर आती हैं ट्रेडिशनल अप्रोच वो होती है जिसमें सारी का सारा जो सिस्टम है वो टीचर के गिर घूम रहा हो यानी ओवरऑल जो भी चीज़ होंगी हो, हो रही होंगी क्लासरूम के अंदर उनका जो न्यूक्लियस होगा उनका जो सेंटर होगा वो टीचर होगा जबकि एक और अप्रोच है जो कि मॉडर्न अप्रोच है जिसको हम कंस्ट्रक्टिविस्ट uh, पैटागोजी कहते हैं जिसका जो मेन uh, uh, जो इम्फोसिस है और या जिसकी जो बेस है वो थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर रखी गई है और ये uh, जो पैडागोजी है इसको लर्नर सेंटेड कहा गया है यानी इसमें जो ओवरऑल एजुकेशन या पूरे टीचिंग का जो एक सनैरियो uh, है वो चाइल्ड uh, के गियर जो है वो घूम uh, रहा होगा यानी इसका जो न्यूक्लियस है वो चाइल्ड है अब टीचर का काम यहाँ पे सिर्फ फैसिलिटेटर है कि उसने बच्चे को उस फैसिलिटेट करना है गाइड करना है लीड करना है और उसकी जो उसकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बिल्ड करना है और जा, जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है अब इस पेडलोजी पेडोलॉजिकल अप्रोच के अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ यहाँ पे मेथड्स हैं जिनमें सोक्रेटिक मेथड है जिसमें स्टूडेंट टीचर डायलॉग के ज़रिए जो है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं इससे क्रिटिकल थिंकिंग और सेल्फ डिस्कवरी जो है वो इनहेंस होती है टीचर जो है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है वो पोज करता है और स्टूडेंट्स जो है वो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं फिर इसी तरह हमारे पास एक्सपीरियंसियल uh, लर्निंग होती है जिसमें जो लर्नर्स होते हैं वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस यानी खुद अपने हाथों से एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं लैब में वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर वो अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं फील्ड ट्रिप्स और इस तरह की जो दीगर एक्टिविटीज़ होती हैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के अंदर भी आप देखते हैं कि स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं प्रॉब्लम के अंदर अपने आप को इंगेज कर रहे होते हैं तो लिहाजा चाहे आपके पास प्रोजेक्ट लर्निंग हो या प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग हो ये आपके पास रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अंदर हम लर्नर को एंगेज करते हैं मोंटेसरी uh, मेथड है मोंटेसरी मेथड डेवलप्ड बाय मारिया मोंटेसरी और ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है जो कि इसमें भी uh, जो चाइल्ड है वो uh, उसको प्रेफरेंस है uh, और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जिसमें uh, चाइल्ड को बेहतर से बेहतर अंदाज में फैसिलिटेट भी किया जा सके उसको एक इंडिपेंडेंस दी जाए और जो इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन है बच्चे की नीड्स के हिसाब से वो उस तक पहुंचाई जा सके ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं ये आगे चल के मानी जो टीचिंग मेथड्स होंगे उनके अंदर इंशाल्लाह डिस्कस हो जाएंगे फिर इसी तरह हमारे पास एमिलिया अप्रोच है ये एक टर्म है इसका मतलब क्या है कि इसमें हम जो चिल्ड्रन हैं उनकी जो कॉम्पिटेंसी है या उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनके हिसाब से हम उनको फैसिलिटेट करते हैं मिसाल के तौर पे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है कोलेबरेटिव लर्निंग है तो ये आपके पास इस जो टर्म है इसके अंदर आ रहे होते हैं इसमें हम बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएटिविटी और ओवरऑल जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं होलिस्टिक एजुकेशन ओवरऑल uh, जो एक इंटेलेक्चुअल इमोशनल सोशल एंड जिसमें हम फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्नर फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्नर वो डिस्कस होते हैं इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है और इसी तरह हमारे पास डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एंड क्लासरूम्स ये सारी की सारी हमारी जो पैडागोजी की आप कह सकते हैं कि मेन इसके स्ट्रेटजीज हैं जो कि एक टीचर जो है वो क्लासरूम के अंदर इम्प्लीमेंट कर रहा होता है अब ये एक ओवरव्यू है आने वाली जो हमारी डिस्कशन होगी जो हमारी वीडियोस होंगी उनके अंदर ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं वो आप लोगों के सामने ओपन होंगी चूँकि आने वाला जो हमारा फर्स्ट सेशन होगा वो टीचिंग मेथड्स के ऊपर होगा इन्हीं जो मैथड्स जहाँ भी हमने आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले किए हैं इन्हीं के ऊपर डिस्कशन होगी और आप लोगों के साथ ये मटेरियल भी शेयर हो जाएगा तो अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं इंशाल्लाह जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स होंगे वो आपके क्वेश्चन आंसर के ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे शुक्रिया